सौरभ, लेकिन अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं डॉली यार, ट्रस्ट रखो मुझे बस, ठीक है? सीरियसली यार डॉली, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट वैलेंटाइन था। एक मिनट रुको, मैं आता हूँ। सौरभ ये क्या है? अरे कुछ नहीं यार डॉली, तुम्हारे और मेरे कुछ हसीन पल इसमें कैद हुए हैं, जब भी तुम्हारी याद आएगी तो इसे देख लिया करूंगा। लेकिन सौरभ ये सब तो गलत है ना, अगर तुम्हारा फोन किसी के हाथ लग गया या ये वीडियो मेरे घर वालों ने देख ली तो? अरे डॉली तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो यार, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी भला मैं अपनी वीडियो किसी और को क्यों दिखाऊंगा। लेकिन तुम्हें मेरे से एक बार पूछना तो था ना, परमिशन तो ले लेते एक बार। परमिशन डॉली? परमिशन जब ली जाती है जब हम एक दूसरे से प्यार ना करें, पर हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। लेकिन तुम्हें मेरे से एक बार पूछना तो था ना, तुम एक बार मेरे से परमिशन ही ले लेते। अब डॉली तुम ज्यादा सोचो मत, कुछ भी नहीं होगा। चल ठीक है। डॉली ये क्या है? क्या हुआ भैया? ये वीडियो, ये सब तू क्या कर रही है? तुझे शर्म नहीं आई? अगर ये सब माँ बाप को पता चल गया तू क्या सोचेंगे? अरे मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा अगर उन्होंने ये वीडियो देख ली तो? लेकिन भैया उसने प्रॉमिस किया था। हाँ यही चल रही है ना तेरी पढ़ाई, अच्छा होता तू पैदा ही नहीं होती। भैया पागल हो गई, ये सब क्या कर रही थी? भैया मैं और क्या करती, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। मैंने आपकी, मम्मी पापा की, सबके ऊपर कलंक लगा दिया, मेरी वजह से आप लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। नहीं नहीं तू ऐसा मत बोल, गलती मेरी है, मैंने तुझे इतना बुरा भला सुना है। तू ही सोच एक भाई ये सब देख के क्या करेगा अपनी बहन के साथ। और हाँ ये जो गलती है ना उसकी है डॉली, तेरी गलती सिर्फ इतनी है कि तूने गलत इंसान पे ट्रस्ट किया जबकि तुझे नहीं करना चाहिए था। और इस गलती का ना असली गुनहगार वो है, तू टेंशन मत ले, हम उसे ना उसे हम पुलिस के हवाले करते हैं। तू चल मेरे साथ।